घूमते घूमते हम गाड़ी ये है जी ऑर्गेनिक विलेज की एंट्रेंस और यहाँ से हम अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ तो म्यूजिक का भी बड़ा मजे का बंदोबस्त लग रहा है। क्वालियो नहीं है यहाँ पे, ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट भी हुई हुई है यहाँ पे। ये जी यहाँ का किचन एरिया है और खाने तैयार हो रहे हैं इफ्तारी के लिए। मुझे तो इनका फर्नीचर पसंद आ रहा है, इन्होंने गांव के स्टाइल में सारा फर्नीचर बनाया हुआ है। आगे चल के देखते हैं हम कि और क्या है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये देखिए ये सेटिंग लगी हुई है और ये इस मज़े का फर्नीचर है। इस तरह का फर्नीचर मुझे पसंद है और मैं बना भी लेता हूँ खुद से। ये भी गांव की एक बैठक आ गई है, आप देखें जी कितने खूबसूरत इधर फर्नीचर पड़ा है गांव के स्टाइल का और इधर भी इसी तरह से ये सारा जो है ना चीज़ें पड़ी हैं। और गांव में तो आपको पता है ना चरखे के बगैर तो काम हो नहीं सकता और ये लस्सी बनाने वाली पुराने ज़माने की डिवाइस जो है वो भी मौजूद है इधर। ये एक और बैठक है ज़रा डिफरेंट किस्म के डेकोर के साथ, लेकिन स्टाइल वही है पुराना। ये जी देसी कोल्हू है, यहाँ पे तेल निकाला जाता है और वो देखिए ऊँट खड़ा है ना, ऊँट को इधर लगा दिया जाता है और इसमें जिस चीज़ का भी तेल निकालना है वो इसमें डाल देते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा इधर और इधर से मेरा ख्याल तेल निकल आता होगा। तो जनाब ये पूरा कोल्हू का सिस्टम सारा इधर लगा हुआ है। तो बच्चों को हिस्ट्री पढ़ानी हो तो ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त जगह है। अच्छा अब यहाँ देखें यहाँ बच्चों का प्ले लैंड भी बना हुआ है और लेकिन प्ले लैंड में जो झूले हैं वो भी गांव के स्टाइल में। ये शीशा बना हुआ है जी, ये मेरा ख्याल है वो वैसे ही चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये पिंग लगी हुई है और वो जो है स्लाइड यानी उर्फ आम है जिसको कीसियाँ कहा जाता है वो भी मौजूद है यहाँ पे। और ये क्या है इसको देखा जाए, ये भी कोई खेलने की जंपिंग की कोई चीज़ बनाई हुई है इन्होंने ना, तो बच्चे यहाँ पे आके बोर नहीं होंगे। अच्छा ये जो प्ले लैंड में एंट्रेंस का स्टाइल है ये बहुत मज़े का है, बांस लगाए हुए हैं और उनके दरमियान जो है उनको रस्सियों से जोड़ा हुआ है। देखें जी ये एक और मज़े की सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे चारपाइयाँ पड़ी हैं, गौ तकिए पड़े हैं और हुक्का भी पड़ा है। तो ये देखें जी ये आप देखें ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह बनाई हुई है। अच्छा गांव में वासा की टंकी तो होती नहीं है इसलिए कुएं ही होते हैं, तो इसलिए हसीब को मैंने कहा यार इधर से पानी निकालो, किसी भी इमरजेंसी में पानी की ज़रूरत पड़ सकती है ना हमें। तो ये जनाब कुएं हैं इधर ना, तो ये एक और सीटिंग अरेंजमेंट आ गई, आप किसी भी जगह बैठ सकते हैं अगर आप इधर आएँ तो। यहाँ भी चारपाइयाँ हैं और अच्छे इंटरेस्टिंग बर्तन पड़े हुए हैं, जो गेस्ट आए हुए हैं वो काफ़ी वीडियोस बना रहे हैं और फोटोज़ बना रहे हैं। ये देखें जी ये भी इधर रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं ना, ये ट्यूबवेल भी है यहाँ पे, ये देखें ये ट्यूबवेल है और लेकिन ट्यूबवेल मेरे ख्याल अभी चल नहीं रहा और ये ट्यूबवेल बिजली से चलता है, इसको सोलर से चलना चाहिए। ये जी कुम्हार का एरिया आ गया और यहाँ गाँव हो और मिट्टी के बर्तन ना हों ये कैसे हो सकता है, हर चीज़ मिट्टी के बर्तनों में तैयार की जाती है पकती है। ये हर किस्म के जो मिट्टी के बर्तन हैं ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा यहाँ पे फ़िश पॉन्ड भी है और फ़िश पॉन्ड का आइडिया ये है कि आप इधर से फ़िश खुद पकड़ भी लें, शिकार कर लें और उसको इधर तैयार कर लें या आप घर ले लें, तो ये सारा फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। अच्छा जी इस वक्त हम गाँव के घर के पास आ गए हैं। गाँव का ये जो घर है ये बाकायदा मॉडल घर बना हुआ है, एक तरह का ऐसी सारी चीज़ें मौजूद है। ये देखिए गंदम रखने का जो बॉक्स है जिसको पड़ोला कहते हैं क्या कहते हैं वो रखा हुआ है, ये एक स्टैंड है जिस पर गड़े रखे जाते हैं,
और वो एक चक्की भी आपको आटा पीसने वाली नज़र आ रही होगी, वो चूल्हे भी दूर आपको नज़र आ रहे हैं, बैठने की जगह बनी हुई है, चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं और ये घर की दीवारें भी हैं। तो जनाब आप फुल माहौल यहाँ पे गांव का जो है वो महसूस कर सकते हैं। ये जी हम गांव के अंदर आ गए हैं, इधर हसीब जो है वो बैठा हुआ है और चारपाइयों पे, और ये यहाँ पे जो हैं चारपाइयाँ पड़ी हैं, खेस पड़े हैं। ये क्या है यार, क्या चीज़ ये है? भी ये क्या, ये मुझे कौन सही सी, नहीं पता, ये मेरे ये भी ख्याल कुछ से बना ये हुआ है गांव का ही कुछ। कोई और ये देखिए जी, ये मिट्टी की अंगीठियां भी पड़ी हैं इधर। और ये दरवाज़ा खुलता है, इसका दरवाज़ा खुलता है कि नहीं खुलता? नहीं 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 ये बंद है। तो ये जनाब गांव का पूरा घर का व्यू है। अच्छा जी, ये घर के साथ ही जानवरों का बना हुआ है बरामदा, वेड़ा बना हुआ है, और अभी तो जानवर नहीं है यहाँ पे। और ये जानवरों के पानी शानी के लिए और खाने पीने के लिए ये खुरली भी बनी हुई है। फिर जानवरों ने कुछ जो खाना खाना होता है उसके लिए ये कटर भी लगा हुआ है। तो जनाब इधर पूरा माहौल बनाया गया है गांव का। शादी आ रहा है। ये जो है ना, ये ओपन एरिया इस वक्त, और यहाँ पे मेरा ख्याल है अभी कुछ सब्जी उगाई जाएगी जो कि अभी नहीं उगाई गई। तो ये आप देख रहे हैं कितनी ह्यूज जगह, पता नहीं कितनी जगह, नहीं एकड़, लेकिन काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी जगह और मज़े की जगह है एंजॉय करने के लिए। अच्छा यहाँ पानी का छिड़काव हो रहा है ना, एक बंदा पानी का छिड़काव कर रहा है, तो वो जो गांव में स्मेल आती है ना मिट्टी की सूंधी सूंधी सी, बिल्कुल वही स्मेल आ रही है और बड़ी मज़े का माहौल लग रहा है इधर। अच्छा ये नर्सरी भी है यहाँ पे, हर तरह के पौधे भी मिल जाते हैं। और फूलों वाले भी हैं और दूसरे भी हैं, दरख्त भी हैं। ये देख रहे हैं आप कितना मज़े की नर्सरी बनी हुई है, मज़े का माहौल बना हुआ है इधर। इस गांव का आइडिया ये है कि यहाँ जो सब्ज़ी और फल फ्रूट तैयार होंगे उसकी मार्केट होगी यहाँ पे, और इस मार्केट में जो है वो सेल की जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ये जनाब ऑर्गेनिक चीज़ों की बाकायदा मार्केट भी बनी हुई है, सब कुछ यहाँ पे तैयार होगा बग़ैर किसी केमिकल के, और फिर यहाँ पे सेल किया जाएगा। ये जनाब मुर्गियाँ पालने की जगह बनी हुई है, देसी मुर्गियाँ पालने की, और यहाँ पे मुर्गियाँ मौजूद भी हैं। ये देखें जी, मुर्गियाँ ओपन फिर रही हैं, ये ब्रायलर मुर्गी वाला हिसाब नहीं है, ये अच्छी तगड़ी जान वाली मुर्गियाँ भाग रही हैं इधर उधर, इनको पकड़ा भी नहीं जा सकता आसानी से। ये जी देसी बकरे यहाँ पे मौजूद हैं, और ये उनको पालने की जगह है, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ करीब जा के भी देसी बकरों को दिखाता हूँ। ये जी देसी बकरे, और ये जो इनका घर बना हुआ है ये भी इधर ही बना हुआ है जहाँ पे ये देसी बकरे जो हैं रखे जाते हैं। अच्छा ये जो है ना, ये प्लांट्स ऑफ द कुरान, यहाँ इस जगह का मकसद ये है कि कुरान में जितने प्लांट्स आए हुए हैं उनको इधर ग्रो किया जाए। तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है सारा एरिया, और अभी काम शुरू हो रहा है इधर। अच्छा ये जी शुगर केन, यहाँ पे से गुड़ बनता है गन्ने से। यहाँ पे आप देखें, ये पीछे सारी गन्ने की फसल है, तो उधर से उतार के गन्ना इधर से ये डायरेक्ट, बल्कि इस वक्त गुड़ बन रहा है। ये देखें, ये मैं करीब आया हूँ तो मुझे खुशबू भी आई है। वो गन्ने की जो जूस निकालने के बाद मटेरियल बच जाता है, उसी से ये आग जला के ये गुड़ बन रहा है। ये कितनी देर में बन जाएगा गुड़? डेढ़ घंटे लगेगा। चलिए जी, हम डेढ़ घंटे बाद कोशिश करेंगे दोबारा चक्कर लगाएं और इधर गुड़ को देखें। ये हमने, तो अब हमने सारा विलेज देख लिया है, अब हम वापस जा रहे हैं। अफ्तारी के टाइम के करीब करीब हम पहुंच जाएंगे, और अफ्तारी का इधर इंतज़ाम जो होता है कि एक प्लेटर होता है जो 1700 का, जी जी
जो 1700 का एक प्लेटर होता है एक बंदे के लिए, उसमें आपकी चॉइस है कि आप मटन वाला प्लेटर ले सकते हैं, मटन कढ़ाई वाला, या देसी मुर्ग की कढ़ाई वाला प्लेटर ले सकते हैं। तो वो बड़ा मुनासिब सा ही प्राइस है जो शहर के दूसरे होटलों में चल रही है प्राइस, प्लस आपको ये सारा माहौल मज़े का मिल जाता है जिसको आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। ये मेन रोड से एंट्रेंस है इसकी, ऑर्गेनिक विलेज की आगे काफ़ी बड़ी पार्किंग है। शुरू में नर्सरी आ जाती है और यहाँ फ्रूट भी सेल हो रहा है। ये जी नर्सरी को एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं। यहाँ पर हर तरह के पौधे भी हैं, गमले भी हैं और डेकोरेशन वाली आइटम्स भी हैं नर्सरी की घर के लिए। ये अब हम एंटर हो रहे हैं जो मेन एरिया है इसका, जिसको इन्होंने डेरा या चौपाल कहा हुआ है। यहाँ पे बैठने की जगह है, यहीं पे आपको खाना भी सर्व किया जाएगा। और इसकी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अब ये देखें यहाँ गेस्ट आगे हुए हैं और ये वो जहाँ हुक्का वगैरह भी पड़ा है और चारपाइयाँ भी हैं। और शाम होती जा रही है तो बड़ा मज़े का माहौल बनता जा रहा है। ये जी हमारी इफ्तारी इन्होंने इधर सर्व कर दी है। इसमें है फ्रूट चाट है, पकोड़े हैं और ये शिकंजवी है मेरा ख्याल है। हमारे सामने इन्होंने मेन्यू भी ले आए हैं और ये आपके साथ में मेन्यू भी शेयर कर रहा हूँ। हमने मंगवाई है मटन कढ़ाई मंगवाई है और काबली पुलाव मंगवाया है, चपटी कबाब मंगवाए हैं और रायता सैलड वगैरह और लस्सी मंगवाई है।